Good afternoon, students. How are you? Are you fine? Okay. Once again, welcome to my channel, Roy Classes. Myself, DK sir. Okay. And today, I will teach you the topic pronoun. Okay. तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रोनाउन के विषय में पढ़ा था। पिछला जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने प्रोनाउन के विषय में पढ़ा था। हमने उसमें आपको प्रोनाउन का डेफिनेशन एंड काइंड्स मैंने बताया था, ठीक है। जैसा कि मैंने, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जैसा कि हमने आपको बताया था प्रोनाउन के विषय में, इसके काइंड्स के विषय में एक ट्रिक हमने दिया था, 2DRIP प्लस ई प्लस आर। ओके, हमने बताया था काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, हाउ मेनी काइंड्स आर देयर ऑफ प्रोनाउंस। तो हमने क्या बताया था, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। ओके, तो थोड़ी याद करने में परेशानी होती है तो मैंने छोटा सा ट्रिक बनाया है। इसमें इसे लिखा है 2DRIP, दैट मीन्स क्या, हम डी से दो बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, आर से दो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन, आई से भी दो इंडिफरेंट प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पी से दो पर्सनल प्रोनाउन एंड पॉजेसिव प्रोनाउन, और ई से इम्फेटिक प्रोनाउन और आर से रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 10। तो हमने कितना बताया था, 10 प्रोनाउंस। ओके, नाउ इन दिस क्लास वी विल लर्न द डेफिनेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस वन बाय वन एंड आल्सो द एग्जांपल्स। ओके, इसमें हम लोग प्रोनाउंस के सभी काइंड्स के डेफिनेशन को जानेंगे और उसके एग्जांपल्स को जानेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। क्या है बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन। ओके, ये पर्सनल प्रोनाउन दैट मीन्स क्या होता है, इसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ओके, तो पर्सनल प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है, देखो इसमें जो प्रोनाउन होता है ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी है ना, इसके नाम के बदले प्रयोग किया जाता है। ओके, when the pronoun which is used instead of the name of a person, place, animal or thing, that is called personal pronoun. Okay, ये क्या होता है, personal pronoun क्या है, ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी इत्यादि के नाम पर प्रयोग किया जाता है। Got it? ये समझ में आ गया? कैसे, देखो हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ओके, जैसे देखिए हमने लिखा रवि इज अ बॉय। क्या लिखा है, रवि इज अ बॉय। इसमें तुम्हारा कोई प्रोनाउन नहीं है, यहां पर रवि क्या है, नाउन है, बॉय क्या है, ये भी नाउन है। ओके, तो इसमें कोई प्रोनाउन हमारा नहीं है। अब हम इसको लिखते हैं, He is a good student. He is a good student. Okay? तो यहां पर देखो बच्चों क्या है, हमने रवि के बदले क्या प्रयोग किया, ही है ना, रवि एक नाम है उसके बदले प्रयोग हो गया ही। तो यहां पर ही हमारा क्या होगा बच्चा, यही होगा पर्सनल प्रोनाउन। ओके, तो इस तरह से पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम पर प्रयोग किया जाता है। ओके, अब जैसे देखिए सीता इज अ गर्ल, हमने क्या लिखा, सीता इज अ गर्ल। ओके, तो यहां पर सीता, यहां पर क्या है, ये नाउन है, हमने इसके बदले प्रयोग किया सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल। ओके, यहां पर सीता के बदले क्या आ गया, शी, तो यहां पर सी हमारा क्या हो गया,
पर्सनल प्रोनाउन। ओके, तो हमने पर्सनल प्रोनाउन के विषय में क्या जाना, द प्रोनाउन विच इज यूज इन द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग, ठीक है ना। इसका हिंदी क्या होता है बच्चों, इसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ओके, तो ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। कुछ और एग्जांपल्स हैं पर्सनल प्रोनाउन के, इतना तक आप लोग समझ गए, इसको मिटा दूं मैं। पर्सनल प्रोनाउन्स के कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे देखिए आई, वी, मी, अस, यू, ही, सी, इट, दे, हिम, हर, ठीक है ना। तो ये हमारा किसका एग्जांपल है, पर्सनल प्रोनाउन का। समझ में आ गया, इन सारे को हम क्या बोलेंगे, पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके, ठीक है, मैं इसको मिटा दूं। अब देखो ये हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अब हम लोग आगे जानते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या जानेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका हिंदी क्या होता है बच्चा, इसका हिंदी होता है निजवाचक सर्वनाम। क्या है ये, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या हिंदी होता है इसका, निजवाचक सर्वनाम। अब ये क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है इन इंग्लिश अगर देखा जाए, तो व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, ओके, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या मतलब हुआ इसका डेफिनेशन, लिखना चाहते तो लिख सकते हो, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, ओके, टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है बच्चों, देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको समझ लो ठीक से। देखिए जब क्या है, अगर हमारा सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है और एक्शन जो हो रहा है वो उसी पर हो, एक्शन का रिएक्शन किस पर हो, सब्जेक्ट पर ही हो, तब वो जो हमारा प्रोनाउन होगा दैट विल बी कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या कहलाएगा वो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। देखो जैसे मैंने लिखा आई सी माई सेल्फ, आई सी माई सेल्फ, मैं देखता हूं खुद को, मैं देखता हूं खुद को, माई सेल्फ मतलब मैं स्वयं खुद को, अपने को, तो मैं अपने को देखता हूं, मैं खुद को देखता हूं। तो यहां पर जो हमारा एक्शन हो रहा है देखना, और देखना किसको हो रहा है, खुद को, दैट मीन्स एक्शन का जो रिएक्शन है वो किस पर है, सब्जेक्ट पर है, है ना। तो ये जो हमारा वर्ड हो जाएगा इसको कहा जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या कहेंगे इसको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। ओके, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। यू हर्ट योर सेल्फ, यू हर्ट योर सेल्फ, तुम खुद को दुख पहुंचाते हो, तुम खुद को चोट पहुंचाते हो। यहां पर यू हमारा है सब्जेक्ट, एक्शन हो रहा, एक्शन क्या है, हर्ट होना, योर सेल्फ खुद को, है ना। तो वापस ये जो योर सेल्फ है ये कहां पर टर्न बैक हो रहा है, ये हो रहा है सब्जेक्ट पर, एक्शन वापस कहां टर्न बैक हो रहा है, सब्जेक्ट पर हो रहा है, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जब जो हमारा सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है उसका एक्शन वापस उसी पर हो, सब्जेक्ट पर हो, तो हमारा हमारा होगा
वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना। तो यहाँ पर माई सेल्फ, योर सेल्फ, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम देखते हैं, इसको मिटा दूं ना। तो देखो जैसे हमने क्या लिखा, माई सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, माई सेल्फ मतलब मैं स्वयं, योर सेल्फ भी होता है, ठीक है ना, योर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, इट सेल्फ, ठीक है। तो क्या है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, ओके, दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्योंकि ये क्या होता है, ये वापस सब्जेक्ट को इंडिकेट करते हैं, है ना, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, ओके। इसमें कुछ और चीज आप लोग देख लो, इतना सारा देख लिए, इसमें कुछ और देख लेते हैं। इसमें क्या है, अब जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सब का यूज करते समय अक्सर मिस्टेक हो जाता है, अक्सर जो है स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, है ना। तो देखो अगर हमारा सब्जेक्ट है आई है, तो इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा ये होगा माई सेल्फ। अगर हमारा सब्जेक्ट यू है तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा योर सेल्फ, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, ओके। इस और बताते भी, वी है तो इसका होगा आवर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, ही हिमसेल्फ, ही का क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ, शी का होगा हर सेल्फ, दे का होगा देम सेल्फ्स, ओके, इट का होगा इटसेल्फ, ठीक है ना। अगर हमारा सब्जेक्ट है आई तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है ना, सब ने लिख दिया। अब देखिए यहां पर क्या है, कहीं सेल्फ लगा हुआ, कहीं सेल्फ लगा हुआ, तो जब हमारा सब्जेक्ट प्लुरल सिंगल फॉर्म में रहेगा तो सेल्फ लगाएंगे, और जब प्लुरल फॉर्म में रहेगा तो सेल्फ लगाएंगे, है ना। जैसे आई है तो सिंगल फॉर्म है तो माई सेल्फ हो गया, वी है तो प्लुरल फॉर्म है तो सेल्फ, आवर सेल्फ हो गया, दैट मींस यहाँ पर सेल्फ लग गया। अब यहाँ देखो यू में क्या है, सेल्फ भी लगा हुआ है, सेल्फ भी लगा हुआ है, तो यू का मतलब तुम होता है, यू का मतलब तुम लोग भी होता है। अगर यू का मतलब तुम होगा तो इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ होगा, और अगर यू का मीनिंग तुम लोग होगा तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ होगा, है ना, गॉट इट, आगे समझ में। तो ये हमारा है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ध्यान रखोगे, इसको बिल्कुल याद कर लोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग अक्सर गलती कर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हमने इसके पहले हमने बताया पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना, एनी डाउट। अब देखिए इसमें क्या है, ये अक्सर कंपिटेटिव एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं, यहाँ पर आई है तो उसके जगह हम आवर सेल्फ कर दिए, तो ऐसा नहीं, आई की जगह माई सेल्फ होगा, यू की जगह योर सेल्फ होगा या योर सेल्फ होगा, तो इस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने दो चीज़ देखा, पर्सनल प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको अच्छे से याद कर लो, हम लोग अगले वीडियो में हमारा जो और प्रोनाउन है उसके विषय में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।